रीवा शहर के रतहरा में संचालित जैन सिटी कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्र छात्राओं को नामी कंपनियों में कार्य करने का मौका मिला है। उक्त कॉलेज में विगत 25 वर्षों से शहर में अपनी सेवाएं दे रहा है, जहां इंजीनियरिंग नर्सिंग के साथ विभिन्न कोर्स कराए जा रहे हैं। आयोजित कैंपस सिलेक्शन और कॉलेज के संबंध में छात्र छात्राओं के साथ प्रबंधन से चर्चा की गई तो छात्र छात्राओं ने कहा कि कॉलेज में वेल एजुकेटेड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सुरक्षा के साथ साथ समय समय पर कैंपस इलेक्शन का आयोजन होता है, जिसमें छात्र छात्राओं को अच्छी कंपनी में काम करने के अवसर मिल रहे हैं। वही कॉलेज में प्रबंधन ने कॉलेज की स्थापना से लेकर वर्तमान समय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। आइए आपको सुनाते हैं छात्र छात्राओं के साथ प्रबंधन ने क्या कहा है। क्या स्कोप है इस कॉलेज का, आपने दाखिल किया है कॉलेज? टू बी ऑनेस्ट एज अ स्टूडेंट व्हाट अ स्टूडेंट लुक फॉर लुक इन अ कॉलेज दैट इट इज इट मस्ट बी अफोर्डेबल सेफ्टी और हमारा जो हम डिजायर्ड प्रोग्राम है वो हमें वहाँ अवेलेबल हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन हो। सो टू बी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें मैंने फील की जो चीज़ें मैंने देखा कि हमें यहाँ पे बहुत हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं जो कंटिन्यूसली इवेलुएट करते हैं हर स्टूडेंट को। वीक स्टूडेंट पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं और हर बच्चे पे वो कंटिन्यूसली पर्टिकुलरली इंडिविजुअल हर बच्चे पे वो फोकस कर पाते हैं। सर सिंपली किसी भी कॉलेज के टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर टीचर्स सिंपली हाईली एंड वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और ये भी फोकस करते हैं कि जो भी मतलब बिग स्टूडेंट्स हैं एंड स्पेशल गाइडेंस होता है सर जो भी एक एडवांस लर्नर होते हैं एंड सर पर्टिकुलर सर जो भी मतलब बिग स्टूडेंट होते हैं उनमें एक इवेल्यूएशन होता है कि इन्होंने क्या किया एंड बाद सर हमारा लैब बहुत अच्छा है। हम एक जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं हम उसे प्रैक्टिकल्स करते हैं, असाइनमेंट हमें मिलता है हम उसके बड़े थ्योरी करते हैं एंड सर बात करें हमें एक कैरियर गाइडेंस भी दिया जाता है बाय द टीचर्स बाय द मोटिवेटर। क्या थीम बनाई है आपने अपने लिए? सर मैंने थीम ये कि सर मुझे इन फ्यूचर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर फोकस करना है, इस फील्ड पे जाना है और हमें एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना ताकि इन फ्यूचर्स जो हमारे मतलब इंडिया के लिए और मतलब एक अच्छा यूजर्स प्रोवाइड करें, मतलब इको फ्रेंडली मतलब एक सॉफ्टवेयर हो तो ये बहुत अच्छा। जी देखिए JNCT जो हमारा संस्थान है तो ये ग्रुप आज से ठीक 25 वर्ष पहले संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर SS तिवारी जी ने इस ग्रुप की स्थापना की थी और लगभग पिछले 25 वर्षों से हजारों बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले। और जैसा आपने पूछा कैंपस की अगर हम बात करें तो लगभग पिछले वर्ष 150 से ज़्यादा बच्चों का मल्टीनेशनल कंपनियों में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से इन्फोसिस, विप्रो, TCS, कैपजेमिनी, इंडियन ऑयल, इन कंपनियों में छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही अगर इस वर्ष भी हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो अभी तक प्लेसमेंट के इनिशियल स्टेज में हैं और उनका सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है।